उत्तर प्रदेश में एक राज्यसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी जयप्रकाश निषाद को निर्विरोध सांसद चुन लिया गया। समाजवादी नेता बेनी प्रसाद वर्मा के निधन के बाद राज्यसभा की एक सीट खाली हुई थी। सांसद चुने जाने के बाद जयप्रकाश निषाद ने कहा कि सबका साथ सबका विकास ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। वो प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत मिशन को आगे लेकर जाएंगे। इस जीत के साथ राज्यसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या बढ़ गई है। आपको बता दें, बीएसपी की सरकार में राज्य मंत्री रहे निषाद 2 साल पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व में एक गरीब के बेटे को, एक निषाद समाज के बेटे को इस देश की सबसे सर्वोच्च सदन में भेज करके एक निषाद समाज का ही नहीं बल्कि पूरे समूचे भारत वर्ष के उन गरीबों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को कोट कोट में नमन करते हुए उनको प्रणाम करता हूँ।